कोई आदमी चोरी करेगा उसके साक्ष्य मिलेंगे तो क्या मुहूर्त निकलवाया जाता है ये कहीं ना कहीं अनडिक्लेयर्ड अन्य घोषित आपातकाल है जितने भी अपोजिशन लीडर्स हैं या जो अपोजिशन पार्टी के जितने भी लीडर्स हैं वो वेल प्रिपेयर्ड पहले से हैं ये कोई नई चीज नहीं हो रही है आप एजेंसीज का आप अपने पॉलिटिकल एजेंडा पूरा करने के लिए इस्तेमाल ना करें वो लोकतंत्र के लिए किसी भी तरीके से ठीक नहीं है तानाशाही जब जब बढ़ती है जब जब जुल्म बढ़ता है तब तब लोग जो है और ज़्यादा इकट्ठा हो जाते हैं ऐसे तानाशाहों के खिलाफ और अब आप देखेंगे केंद्र सरकार के जाने की उल्टी गिनती शुरू हो गई कोई आदमी चोरी करेगा उसके साक्ष्य मिलेंगे तो क्या मुहूर्त निकलवाया जाता है आपने ऐसे समय को तब क्यों नहीं सोचा कि जिन लोगों से आपने पैसे लेने के लेन देन करें हैं आज ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा सुबह जब ये सिसोदिया जी के और सतेंद्र जैन के सिसोदिया के जवान के बारे में गए सुप्रीम कोर्ट ने आज ही टिप्पणी की कि अगर पॉलिटिकल लोग हैं और सभी इन्वॉल्व हैं तो सभी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते और इनके खिलाफ सबूत हैं कि केजरीवाल से मिलवाने के लिए इन्होंने मिस्टर अरोड़ा को लेकर गए अरोड़ा ने इनके सामने शर्त रखी कि तीन बजे तक रेस्टोरेंट खुलने चाहिए फिर सारे तीन बजे तक इनकी शर्त पर रेस्टोरेंट खोलने के लिए अगले दिन ऑर्डर कर दिए अरोड़ा जी ने बताया इनको पच्चीस तीस लाख रुपए दिए गए ये सं अरोड़ा जी ने कहा है संजय जी को केजरीवाल को पैसे देने की जो लेन देन हुआ है वो आमने सामने बैठकर केजरीवाल के घर ले जाने वाले वो हैं तो जो मुलजिम हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए का घोटाला किया है शराब में पाँच परसेंट से लेकर कमीशन बारह परसेंट कर दिया जाए एक्साइज कमिश्नर को धमका दिया जाए कि हम आदेश कर रहे हैं एक्साइज कमिश्नर के एक के बयान में हैं तो इसीलिए मुलजिम को पकड़ने के लिए गिरफ्तार करने के लिए मुहूर्त निकलवाया जाता है क्या मैं पूछना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी के लोगों से तो केजरीवाल साहब के अंदर बेगैरत है गैरत है नहीं दो बच्चों की कसम खा दी सबको ये करेक्टर सर्टिफिकेट देते हैं इन्होंने जितेंद्र तोमर को भी करैक्टर सर्टिफिकेट दिया मनीष सिसोदिया को भी दिया मनीष सिसोदिया को तो सरदार भगत सिंह बता दिया था उनका और अपमान किया सतंदर जैन को भी कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया था तो इसीलिए लिए ना खाऊँगा ना खाने दूंगा पाँच हज़ार रेट डली हैं मोदी जी के नौ साल के नेतृत्व में एक डेढ़ लाख करोड़ रुपया डेढ़ लाख हजार करोड़ रुपया रिकवर हुआ है वो देश के विकास में लग रहा है और देश ने मोदी साहब को 2014 में लाए थे तो देश करा रहा था भ्रष्टाचार के कारण देश करा रहा था काले धन के कारण जो लोगों के घरों में था नेता भ्रष्टाचार करते थे लूटते थे साक्ष्य मिलने ना मिलने के कारण बरी हो जाते थे तो इसके कारण से अब वो नहीं होगा अब ना खाऊंगा ना खाने दूंगा जो पीएम साहब ने कहा उसको लेकर ईडी सीबीआई ईमानदारी से काम कर रही है पॉलिटिकल आदमी तो पंद्रह बीस है जिनके घर में रेट डली है बाकी चार हजार नौ सौ छियानवे लोगों के डल लिए वो कौन थे वो सब आम लोग हैं कालाबाजारी करने वाले लोग तो भ्रष्टाचार कोई भी होगा मोदी शासन में नहीं बचेगा ये सरकार विरोध की हर आवाज को कुचल देना चाहती है इतनी भयभीत और अपने आप को इतना असुरक्षित महसूस कर रही ने वाली ये सरकार लगातार ऐसी हर आवाज़ को जो इनको एक्सपोज करता है या जो इनके ख़िलाफ़ तथ्यों के साथ आर्ग्यूमेंट के साथ बोलता है तो उसको उस हर आवाज़ को ये दबाने का काम कर रहे हैं कुचलने का काम संजय सिंह राज्यसभा में थे से से उनको सस्पेंड किया गया क्योंकि लगातार सरकार से जवाब मांग रहे थे कि मणिपुर के अंदर जो महिलाओं के साथ जो रेप की घटनाएं हुई जो उनको निर्वस्त करके घुमाया गया सरकार को अच्छा नहीं लगा बाहर वो आर्ग्यूमेंट करते थे कल हमने देखा कि किस तरीके से एक न्यूज पोर्टल से जुड़े हुए लोगों को उनको गिरफ्तार किया गया और एक उस अखबार की रिपोर्ट पर कह रहे कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने कोई स्टोरी छापी न्यूयॉर्क टाइम्स की एक स्टोरी पर आपने इतनी कार्रवाई करी न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो क्या क्या छापा है सरकार के खिलाफ सरकार से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो ये कहीं ना कहीं अनडिक्लेयर्ड अघोषित आपातकाल है हर उस आवाज को जो इस सरकार के खिलाफ उठ रही है उसको कहीं ना कहीं घेर करके दबाने की कोशिश हो रही है और संजय सिंह जी के मामले में तो मैं ये समझता हूं कि ये और बड़ा एजेंडा है क्योंकि उनका राज्यसभा का टर्म दिसंबर में एंड हो रहा है तो दोबारा से उनका रिनिवल राज्यसभा में कैसे रोका जाए वो भी एक मुझे उस साजिश की भी बुआ ई इनकम टैक्स सीबीआई और लगातार जिस तरीके से घटनाक्रम है, जितने भी अपोजिशन लीडर्स हैं या जो अपोजिशन पार्टी के जितने भी लीडर्स हैं वो वेल प्रिपेयर्ड पहले से हैं ये कोई नई चीज़ नहीं हो रही है और सत्ता में रहने वाले लोग ये कोई नई चीज़ नहीं कर रहे हैं दुर्भाग्य इस बात का है जो लोग चुन करके हैं जनता से आखिरकार वही लोग अन्याय ज़्यादा कर रहे हैं याद रखें कि इस तरह का अन्याय और इस तरीके से जो कार्रवाइयाँ होती हैं हमेशा सरकार को कमज़ोर करती हैं और वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जनता को फेस नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ आज सरकार में इसलिए हैं क्योंकि जनता ने उन पर भरोसा किया था क्योंकि 10 साल में महंगाई बढ़ गई बेरोज़गारी बढ़ गई जो सपने दिखाए थे वो पूरे नहीं हुए इलेक्शन मैनिफेस्टो पूरा नहीं किया हंड्रेड स्मार्ट सिटीज़ नहीं बने और अगर हम याद करें टू वादा तो ये किया था कि नए शहर बनाएंगे नए शहर बने न स्मार्ट सिटीज़ बने बेरोजगारी बढ़ी है किसान की आय दोगुनी नहीं हुई बिजली का बिल महंगा है और जिस कदर बड़े बड़े सपने दिखाए थे इन्वेस्टमेंट के बड़ी बड़ी मीट की गई थी क्या हासिल हुआ जब कोई चीज़ हासिल नहीं हुई तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स को बदनाम करने के लिए और उन पर पहले से जो कार्रवाई कर रही है अपने अधिकारियों से उनको फंसाने के लिए सरकार में रह के कौन सा अधिकारी किसको नहीं फंसा देगा ऐसो से कह तो वो जेल भेज देगा लेकपाल से कहो वो ज़मीन के विवाद तैयार कर देगा तो सरकार में रह के ऐसी कार्रवाइयों से सरकार मजबूत नहीं होती है जब कभी भी जनता के बीच में वोट मांगने जाएंगे तो जनता इनको जवाब देगी क्या लगता है इन से आप सब साथ है, किस तरह से इसको आप लोग विरोध करेंगे और क्या लगता है अभी आप कह रहे हैं देखिए अभी अभी हमारा विरोध जैसे जिस स्तर पर जहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं सब विरोध कर रहे हैं और जितनी भी अपोजिशन पार्टीज के लोग हैं उन्होंने सब ने कहा ये गलत हुआ है न केवल विपक्ष के लोग कह रहे हैं लेकिन बीजेपी के अंदर बैठे हुए नेता बोल रहे हैं कि ये गलत हो रहा है क्योंकि कल उन्हें वोट मांगने जाना है इन बातों का जवाब कैसे जनता में दिया जाएगा ये बीजेपी के खुद के नेता इस बात को सोच रहे हैं कांग्रेस किसी इरेगुलरिटी को सपोर्ट नहीं करती है जो शराब घोटाले में दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए लेकिन एजेंसीज का मिसयूज भी नहीं होना चाहिए कि अपने पॉलिटिकल हिट साधने के लिए सरकारें एजेंसीज का मिसयूज करें जो आप मुझे बता रहे हैं कि यह कहा जा रहा है कि क्योंकि उन्होंने कॉपरेट नहीं करा था इसलिए अरेस्ट कर लिया तो मैं समझता हूं कि आज ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि इस बेसिस पर अरेस्ट नहीं कर सकते अगर वो दोषी हैं और उनकी इन्वॉल्वमेंट है तो जरूर अरेस्ट करना चाहिए और अगर खाली इसी बेस पे अरेस्ट किया जा रहा है कि कॉपरेट नहीं किया जा रहा तो ये एजेंसीज का मिसयूज है जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो लेकिन उस आड़ में आप एजेंसीज का आप अपने पॉलिटिकल एजेंडा पूरा करने के लिए इस्तेमाल ना करें वो लोकतंत्र के लिए किसी भी तरीके से ठीक नहीं है जब उन्नीस में देश आजाद हुआ तो मिला क्या मिली बोलने की आज़ादी कि अब जो लोगों की बात खुल के बोलेंगे उनको आप जबरदस्ती झूठे मुकदमों में जेल में नहीं बंद कर सकते सड़क पुल रेल तो अंग्रेज भी बना रहे थे दो सालों से ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों ने सड़क नहीं बनाई देश में उन्होंने सड़कें भी बनाई पुल भी बनाए रेल भी बनाए सब कुछ बनाया मगर देश में आज़ादी नहीं थी बोलने की जिसको चाहा उसको जेल में बंद कर दिया जिसको चाहा उसको फांसी पर लटका दिया वो आज़ादी हमें उन्नीस में मिली आज देश की वो आज़ादी ख़त्म हो रही है आज देश में गरीबी बढ़ रही है बेरोज़गारी बढ़ रही है महंगाई बढ़ रही है लोग परेशान हैं दुखी हैं आत्महत्याएं कर रहे हैं और अगर कोई लोगों की आवाज़ उठाता है कौन उठाएगा विपक्ष उठाएगा विपक्षी नेता उठाएंगे अगर अब वो लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं तो अब उनको झूठे मुकदमों में जेल में डाला जा रहा है कहने का मतलब ये है कि अब 2024 तक जब तक चुनाव है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार बहुत सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डालेगी ताकि कोई जनता की बात ही ना कर सके कोई विपक्ष की बात ही ना कर सके ताकि चुनाव के अंदर आसानी से भारतीय जनता पार्टी जीत सके मगर ये होगा नहीं क्यों नहीं होगा क्योंकि आज से पहले बहुत सारे तानाशाह आए हैं दुनिया में जिन्होंने ये कोशिशें की मगर तानाशाही जब जब बढ़ती है जब जब जुल्म बढ़ता है तब तब लोग जो हैं और ज़्यादा इकट्ठा हो जाते हैं ऐसे तानाशाहों के ख़िलाफ़ और अब आप देखेंगे केंद्र सरकार के जाने की उल्टी गिनती शुरू हो गई